2020 के चुनाव में यानी कि विधानसभा का जो चुनाव था उसमें शिक्षकों ने ही 43 सीटों पर जदयू को समेट दिया था। वैसा हम नहीं, विजय सिन्हा कह रहे हैं। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। बिहार में एक बार फिर से छुट्टियों को लेकर राजनीति चालू हो गई, जहाँ एक तरफ के पाठक के द्वारा ये नया फरमान जारी किया जाता है कि तमाम शिक्षकों की छुट्टियों में कटौती की गई है। अब उसके बाद से जब दीपावली, छठ पूजा, रक्षाबंधन, उसके बाद जन्माष्टमी, ये तमाम हिंदू त्यौहारों में जब छुट्टियों में कटौती की जाती है, तब विजय सिन्हा और तमाम भाजपा के नेता जो हैं वो अब नीतीश कुमार पर और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर ये आरोप लगा रहे हैं कि तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं आप। जहाँ एक तरफ विजय सिन्हा कह रहे हैं कि जो के पाठक हैं वो कठपुतली हैं सरकार के। फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, हम आपको सुनवाते हैं। आखिर शिक्षा विभाग को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? ये चरवाहा विद्यालय की ओर क्यों लौटाना चाहते हैं? आप अपने सचिव के माध्यम से शिक्षकों को अपमानित, डिमोरलाइज, हतोत्साहित और कानून के शिकंजे में ला करके उसकी आवाज को क्यों दबाना चाहते हैं? नियोजित शिक्षक के साथ वही व्यवहार, अब उनके ऐसे ऐसे फरमान और कानून जारी कर करके शैक्षणिक वातावरण बेहतर हो, आगे बढ़े, पढ़ाई हो, ये मैं भी चाहता हूँ, स्वागत करता हूँ, लेकिन सिर्फ शिक्षकों के छुट्टी को रद्द करने की मानसिकता कहीं ना कहीं शिक्षकों को अपमानित, डिमोरलाइज, हतोत्साहित करने का वातावरण है। सभी सरकारी कर्मी के साथ क्यों नहीं छुट्टी रद्द हो? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप विद्यालय के अंदर भवन नहीं है, शौचालय नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, बेंच डेस्क नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है, पुस्तकालय नहीं है, इस पर चिंता नहीं, इसको बढ़ाने के लिए सरकार की कोई मंशा नहीं, आपके सेक्रेटरी को इस पर ध्यान नहीं जाता, लेकिन शिक्षकों को कैसे, कभी कुर्सी हटा देंगे तो कभी फलाना काम, कभी आप छुट्टी रद्द करेंगे। अरे सभी सरकारी कर्मी के लिए गवर्नमेंट का जो निर्धारित है, और हिंदुओं के पर्व त्योहार का ही छुट्टी रद्द क्यों? आपकी तुष्टिकरण की राजनीति बिहार को और बंगाल के रास्ते पर लेके चल चुका है, और बिहार का बर्बादी का सबसे बड़ा कारण आतंकवादियों का, उग्रवादियों का, अपराधियों का मनोबल आपके इस नियम से बढ़ रहा है। आज बालू साइड के अंदर तो आपने सुना विजय सिन्हा जो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, और उसके बाद वो साफ साफ तौर पे ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव, 2025 में उप मुख्यमंत्री यानी तेजस्वी प्रसाद यादव का जो झूठा वादा था उसको लेकर भी अब जनता धूल चटाएगी और शिक्षक धूल चटाते हुए नजर आएंगे। जहाँ वो साफ साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बंगाल की राजनीति जो है तुष्टिकरण की, अब उस पर बिहार भी अपनाते हुए नजर आ रहा है, यानी बिहार गवर्नमेंट जो है वो अपनाते हुए नजर आ रही है। फिलहाल आपकी क्या राय इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरामैन दीप के साथ मैं आशुतोष पटना।